मुझे लास्ट में जाके मिला है संग्रहालय म्यूजियम 1857 में फर्स्ट वार के समय से बनाया गया था। हाय गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। ये मेरा कौन सा पार्ट होने वाला मुझे भी याद नहीं है, शायद चौथा पार्ट होगा। अगर आपको पूरा देखना है तो वेट तो करना पड़ेगा। म्यूजियम काफ़ी बड़ा है, इसे एक मिनट में कैद नहीं किया जा सकता। देखने को काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ। मैं हर जगह जाऊंगा, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये बिल्डिंग देख लीजिए गाइस, आज धूप भी बहुत है, मैं थक गया हूँ। मैं कहीं बैठ कर आराम कर लूँगा, उसके बाद जाऊँगा। बिल्कुल मैं यहाँ इस पर भी चढ़ के आपको दिखा दे रहा हूँ। सॉरी, सीढ़ी नहीं बना हुआ, चढ़ नहीं पाएंगे। ये रंग महल के बारे में है। ये रंग महल है, ये रंग महल है गाइस, ये सामने न रंग महल है। पूरा लाइट लगा हुआ है। ये मंदिर एक देख लीजिए गाइस, कबूतरों से भरा पड़ा है। वहाँ एक गार्ड भी बैठा हुआ है। बस चलते जा रहे हैं। अब आए हैं तो दिखाना ही पड़ेगा। ये लाल किला के अंदर का महल है। लाल किला तो बाहर में था, जो मैंने आप लोगों को पार्ट 1-2 में दिखाया है, 3 में भी दिखाया। ये देख लीजिए, बिल्कुल मकबरा की तरह बनाया गया है। लग रहा है गाइस म्यूजियम इधर ही कहीं है। गाइस उस जमाने में हर किसी का मकबरा होता था, उसके राजा मंत्री हर किसी का अलग अलग होता था। वैसे ये लोग तो रह रहे थे अलग में, लेकिन यहाँ बनाए होंगे, मुझे नहीं पता उतना। भाई सामने बाग है, अब मैं जाने वाला हूँ। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए फौरन से लोग आए हुए हैं। मैं म्यूजियम आ गया हूँ, आ गया हूँ, म्यूजियम पहुँच चुके हैं गाइस। अब हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। ये देख लिए गाइज, मुझे लास्ट में जाके मिला है संग्रहालय म्यूजियम 1857 में फर्स्ट वार के समय से बनाया गया था।
देख लीजिए गाइस, भारत का नक्शा बना हुआ है। यहाँ पहले जो जो नाम था राज्य का वो सब दर्शाया गया है। देख लीजिए गाइस, यहाँ 1857 से बिफोर पहले का है। ये लोग हमारे नाना साहब बहादुर शाह जफर। देखते जाइए, भारत को अंग्रेजों गुलामी से आज़ाद कराने के लिए ये लोग लड़े थे। लोगों को सलाम करता हूँ गाइज। ये तीन तल का है गाइज, वो तल प्रथम तल द्वितीय तल। ये बेगम हजरत महल है, रानी लक्ष्मीबाई के साथ है। अपनी वैश्विक मनोवृत्ति का विस्तार, पता नहीं गाइस आप बस देखते जाइए। इसमें सारे हिस्ट्री के पॉइंट दिए हुए हैं, याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, यूपीएससी का तैयारी में फ़ायदा मिलेगा। शोषण और दमन, किसानों वगैरह का शोषण हुआ था वो है। समझ सकते हैं गाइस, मैंने इधर तो देखा ही नहीं गाइस। ये देखो पुराने दस्तावेज हैं, उन लोगों के नक्शा वगैरह। देखो म्यूजियम में तलवार रखा हुआ है। गाइस काफी म्यूजियम अच्छा है। देखिए गुप्त खत है, चारों साल एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। वो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर्चे को कुछ दिखाई दे रहे हैं। देख लीजिए गाइस, अंग्रेजी जमाना के सब कुछ है यहाँ पे, जो राजा लोग यूज किए करते थे और मुगलों से लड़कर जीत हासिल करते थे। गाइस अब हम लोग सेकंड तल पे जा रहे हैं। गाइस बस चलते जा रहे हैं, मुझे पता भी नहीं है जिधर रास्ता मिल रहा है चल रहे हैं। काफ़ी चीज़ें देखने को, ये लूटपाट और हत्या का है, ये सब संग्रहालय का है। मैंने आपसे वादा किया था मैं इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने अलग वीडियो बनाया। संग्रहालय का है, ये देखो गाइस ऊपर, ये लखनऊ का है, ये लखनऊ का है। 1857 में कैसा था लखनऊ, ये है। ये संपूर्ण अवध में जो युद्ध हुआ था वो है, ये अवध है। अवध का पूरा यहाँ पे विस्तार से बताया गया है। ये देख लीजिए मथुरा, आगरा, मणिपुर, काफ़ी सोच समझ के अच्छे से बनाया गया है। ये राजस्थान वगैरह का है, ये लास्ट पार्ट है।
गाइस ये भी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं समझ सकता हूँ गाइस, लेकिन पूरा देखना है तो वेट करना पड़ेगा। गाइस इधर भी है देखने को, हम लोग इधर भी चलेंगे। दिल्ली 11 मई 1857 का है, ये राजा का फोटो वगैरह है, देखिए गाइस इन्हीं के समय से बकरीद का त्यौहार चल रहा है। मुकदमे दंड और निष्कासन, दिल्ली पर कब्जा, देखते जाइए आप लोग बस। देखते जाइए हम, ये देखिए यहाँ कपड़ा है, मुझे लगता है रानी और राजा के होंगे उस समय के, काफ़ी अच्छे पोशाक पहनते थे ये लोग। दिल्ली में जो लड़ाइयाँ वगैरह हुआ था सब है, मैं तो इतिहास नहीं लिया हूँ तो उतना नहीं जानता हूँ। बाकी गए जिनको UPSC का तैयारी करना है वो आ सकते हैं, यहाँ घूम के फिर से जा सकते हैं, सारा कुछ याद हो जाएगा। लोग ऊपर की ओर जाएंगे, ये पूरा सीढ़ी लकड़ी का बनाया गया है। ये छत भी शायद लकड़ी का बनाया गया है, इधर जाना मना है, इधर हम जाके एक बार देख लेते हैं सब जगह। गाइस पूरे 2 दिन लग जाएंगे इसे घूमने में, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का है, भील युद्ध में शामिल हुए थे ये लोग, वो है बस एक बार घूम के देख रहा हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा। ये लास्ट फ्लोर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ये लास्ट फ्लोर है, आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सोच समझ के बनाया गया होगा। बिहार और झारखंड भाई ये तो अपने लोग के तरफ का है, बहुत सारे विद्रोह हुए थे उसी का, अंग्रेजी राज ख़त्म हो गया, वीर कुमार सिंह जिन्होंने जिनके बारे में कहा जाता है वो जब एक हाथ में गोली लग गया था तो वो अपने हाथ काट के फेंक दिए थे, काफ़ी साहसी थे। तात्या टोपे का समय रखा झांसी, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का फोटो है, रानी का जो तोप था वो है। सब देख लीजिए गाइस, मैं बस आपको दिखा सकता हूँ, ये तात्या टोपे,
तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। भारत में बहुत सारे जगह घूमने के लिए अभी बाकी है, मैं एक एक करके आपको घुमाऊंगा। भारत के लोगों को घूमना चाहिए, ये हमारी संस्कृति है। थैंक यू, वेलकम अगेन।